वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक स्वीट की रेसिपी, यानी कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मीठी सी मिठाई बनाने वाले हैं। तो आपको अगर ये स्वीट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की कम टाइम में आप कैसे बना सकते हो वो वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज की स्पेशल मिठाई बनाने के लिए हमने 50 ग्राम चावल और 50 ग्राम चने की दाल ली है। चने की दाल को हम 2 घंटे के लिए साफ़ करके भिगो करके छोड़ देंगे और चावल को हम साफ़ करके और पानी से वॉश करके सुखा लेंगे, किसी कॉटन के कपड़े पर फैला करके और सुखा लेते हैं। चावल हमारे सूख गए हैं तो हम चावल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। दाल को हम भीगने देंगे 2 घंटे के लिए और चावल को हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर स्पैटुला की मदद से इसको हिलाते हुए 2 मिनट तक रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और चावल भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे जब हम इनका पाउडर बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो चावल को हमने अच्छे से सेक लिया है और इनको किसी बाउल में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। तो चावल हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम मिक्सर जार के अंदर डाल करके और इनका दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। इनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इनका दरदरा पाउडर बनाना है। दूसरी ओर दाल भी हमारी भीग चुकी है, 2 घंटे हो गए हैं, तो इस दरदरे पाउडर में, चावल के दरदरे पाउडर में हम दाल डाल देते हैं और इसको भी पीस लेते हैं। तो अब देखिए दोनों का दरदरा सा बैटर बन गया है। बैटर को हमें बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है, क्योंकि बारीक बैटर से आपकी मिठाई बढ़िया नहीं बनेगी। इसलिए आप जो बैटर बनाओ ना, वो इस तरह से आप देख सकते हो ये गाढ़ा गाढ़ा है और दरदरा है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके दोनों में और दरदरा सा बैटर तैयार कर ले। अब दूसरी ओर हम एक पैन टिकाएंगे गैस के ऊपर और पैन के अंदर डाल देंगे 1/2 kg दूध। आप फुल फैट दूध ले सकते हैं या फिर अच्छी मलाई वाला, घर में इकट्ठा दूध होता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास मलाई का दूध है तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। तो मैंने 2 कप मलाई का दूध लिया है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जैसे दूध हल्का गर्म होगा तो हम इसके अंदर बैटर इंसर्ट कर देंगे। बैटर को आप जल्दी जल्दी इसके अंदर इंसर्ट कर दें, वरना बैटर क्या है कि जो है इसमें थोड़ा सा फास्टली काम करना है, बैटर गाढ़ा हो जाएगा दूध के अंदर। तो क्योंकि दूध गर्म है तो इसलिए जल्दी से बैटर डालना है, फिर आपको जो जार है उसको धो करके थोड़ा पानी भी डाल देना है, क्योंकि इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूसली पकाना है। तो अब आप देख सकते हो मैं इसे पका रही हूँ और लगभग पकाते पकाते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं जार का, जो हमने जार को धो करके निकाला हुआ है तो वो पानी मैंने डाल दिया। अब फिर हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसको पकाएंगे। तो लगभग पहले मैं इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी दूध के साथ में, और उसके बाद में मैं इसके अंदर घी डाल दूंगी 1 बड़ा सा चम्मच और फिर मैं इसको पकाऊंगी। तो 2 टाइम पे आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना होता है, तब जा कर के आपकी जो दाल है अच्छी तरह से पकती है, अच्छी तरह से सिक जाती है। इसके अंदर थोड़े बहुत आपको लम्स दिखाई देंगे, पर जब हम घी डालेंगे ना 1 चम्मच, तो सारे के सारे लम्स हट जाएंगे, मिट जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया है और इसको हमें अभी और पकाना है। तो आप इसके अंदर अब इस कंसिस्टेंसी में घी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच नहीं, 1 बड़ा चम्मच घी का लिया है। मैं यहाँ पे देसी घी का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी घी है वो यूज कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है और आप उस घी का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप बटर भी डाल सकते हो, तो उसे भी इस जो हमारी मिठाई है वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी ले लिया और इसके अंदर डाल देते हैं।
जब तक आप बैटर को पकाते हो ना तब तक आपको इसी तरह से चलाते रहना होगा। अगर आप इस तरह से नहीं चलाओगे तो हो सकता है बैटर आपका नीचे चिपक जाए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब हम कोई मिठाई बनाते हैं ना तो उसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहते हैं, तो हमें भी चलाते ही रहना है। और अब आप घी डालने के बाद आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी। और देखिए ये नॉनस्टिक पैन है और अच्छा रहेगा आप भी नॉनस्टिक पैन का प्रयोग करें। और अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पैन में भी ये बना सकते हो, उसमें भी आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बस आपको सिर्फ ना ऐसे हिलाते रहना है, किसी भी जो पलटे की सहायता से आप इसको पलटते रहना तो आपके बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। तो बस इसमें ध्यान रखने के लिए एक ही बात है, हमारा जो बैटर है नीचे चिपकना नहीं चाहिए किसी भी पोजीशंस के अंदर। तो अब आप देख सकते हो बैटर अच्छे से सिक रहा है और ये जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ने भी लगा है कढ़ाई को। तो इस स्थिति में हम इसके अंदर डाल देते हैं कलर, थोड़ा सा जो हमने कलर डालना है वो कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने केसरिया कलर पानी में घोला हुआ है इसके अंदर डाल देते हैं। तो एक पिंच केसरिया कलर को पानी में घोल लें और फिर उस लिक्विड को इस बैटर में मिला दें। कलर को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। शुगर हमें कितनी डालनी है, देखिए जितने आपके दोनों चने की दाल और चावल की क्वांटिटी थी ना उतनी तो आपको शुगर डालनी है। तो जितना था ना दोनों की क्वांटिटी के बराबर में मैंने चीनी डाल दी है। और अब चीनी को डालने के बाद भी हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि चीनी का पानी हो जाता है, और जब पानी हो जाएगा तो उसे पानी को जलाना होगा और अपने बैटर को गाढ़ा करना होगा। तो 5 मिनट तक हमें और पकाना है। और इसी बीच में के अंदर हमें इसके अंदर जो है ना मिला हिलाते हिलाते इसके अंदर जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। इलायची पाउडर से इसकी जो खुशबू है इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आप इलायची पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। वो वैसे मलाई से इस जो मिठाई का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया और अब मैं भी इसको 2 मिनट तक और पकाऊंगी। अब 2 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल जो बैटर ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम बैटर को अच्छी तरह से जमा सकते हैं, जब कढ़ाई छोड़ देती है मतलब ये जम जाएगा आपका बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैंने दूसरी ओर में एक कहना कंटेनर लिया इस तरह का, देखिए डिब्बा लिया है और ये प्लास्टिक का पेन है। इसके अंदर चारों ओर को ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा सा घी डाल करके, और ग्रीस करने के बाद जो अपना बैटर है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो आप सारा बैटर इसके अंदर फैला दें डब्बे के अंदर और इसको टैप कर ले, बराबर में करके टैप कर दे, या चम्मच की सहायता से इस तरह से आप बराबर कर सकते हैं, या जो स्पेक्चुला उसकी सहायता से आप इस तरह से बराबर कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा रफ़ होना चाहिए क्योंकि जब हम ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे ना तो बिल्कुल अगर आप इसको चिकना कर लेंगे तो ड्राई फ्रूट्स नहीं रहेंगे। तो थोड़ा बहुत इसकी जो लेयर है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं इसको ओके करके, ताकि गरम गरम के अंदर जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाते हैं, नहीं तो वो ऊपर ऊपर रह जाते हैं फिर हट जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इसको टैप करके आप ड्राई फ्रूट्स लगा दें और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें, लगभग 3 से 4 घंटे तक लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको कटिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए और एक ब्रश की सहायता से थोड़ा सा मेरे पास में इलायची के दाने हैं वो भी यहाँ पे डाल देती हूँ, और इसकी सहायता से थोड़े से इसको प्रेस कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। और ब्रश की सहायता से आपके पास थोड़ी सी चाशनी हो तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो ताकि आपके ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो मेरे पास ये थोड़ी सी चाशनी है तो मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से लगा देती हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है। ये मैंने ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के ऊपर लगाई है ताकि मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो चिपक जाए, उतरे नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये जो केसर की चाशनी है वो लगा दी है। जो जलेबी वाली चाशनी थी वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऐसे इस पर लगा दिया, और ये ऑप्शनल है। तो अब हम इसे लगभग 3 से 4 घंटे तक के लिए और किसी ठंडी जगह में रख देते हैं जहाँ पे ये जम करके तैयार हो जाए, और या फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो 2 घंटे के लिए तो ठंडी हो जाए। 2 घंटे बाद देखिए ये ठंडी हो गई है और अब हम इसको ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं और फिर एक प्लेट लगा करके इसको ऑन कर लेते हैं। ये अभी ऑफ साइड है तो ऑन साइड कर लेते हैं और एक चक्कू की नाइफ की सहायता से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही सरल है, देखिए कितनी प्यारी कितनी ब्यूटीफुल, और इसका टेस्ट आप
आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट बना है और बहुत अच्छी लगती है ये बर्फ़ी। तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नई मिठाई नई बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी है। जब घर पे मेहमान आ रहे हो और फटाफट में बनाना हो, बाज़ार जाने की ज़रूरत ना समझें, घर पे ये बर्फ़ी बना करके आप उन्हें खिलाएँ, उनको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए कितनी शानदार बर्फ़ी का लुक है और कितनी शानदार हमारी बर्फ़ी बनी है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। हमारी सारी बर्फ़ी बन करके तैयार है, देखिए कितनी गार्निश की हुई, कितनी शानदार बर्फ़ी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।